हेलो, मैं निशांत फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइफ। हम आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की इस सीरीज में कंडक्शन एंड कन्वेक्शन आज पढ़ाएंगे। इससे पहले जो एलईओ 4 यानी सेशन 4 के अंदर हमने थ्री स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया था और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के बारे में बताया था और बिल्कुल लास्ट में जाते जाते हमने कंडक्शन की शुरुआत भी की थी। आज उसी कंडक्शन को हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टाइम पर हम देख चुके थे कि हमने एक रॉड ली थी, मेटल की बनी हुई, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है और लेट सपोज की लंबाई डी है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ए है और उसके एंड पर टेम्परेचर थीटा 1 थीटा 2 है, जहां पर ये थीटा 1 को लेट आप हायर मान लीजिए। तो स्टेडी स्टेट के अंदर हमने इसकी इक्वेशन मान ली थी कि रेट ऑफ हीट फ्लो इज इक्वल टू के ए और इधर क्या लिखा था हमने, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय बी। इस टर्म को हमने टेम्परेचर ग्रेडियंट कहा था, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और के थर्मल कंडक्टिविटी है जो मटेरियल ऑफ द रॉड पर डिपेंड है। तो इसी फॉर्मूले पर आज हम आगे प्रोसीड करेंगे कि उन रॉड को या स्लैब को हम सीरीज में रखेंगे, पैरेलल में रखेंगे, कुछ इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे और कन्वेक्शन भी देखेंगे। यहाँ पर माइनस साइन आपको बुक में अंदर मिल जाएगा। माइनस थ्योरेटिकली ये बताता है कि जैसे जैसे आप लैंथ की तरफ बढ़ रहे हैं टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमने पहले बोला ना कि एक हाई टेम्परेचर रेट लो टेम्परेचर है। इसकी ओम्स लॉ से एनालॉजी भी देखेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ में भी तो ये होता है कि करंट जो होता है क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जब हम देखें तो वहां पर क्या है, करंट को कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वो यहां पर टेम्परेचर के टर्म में कैसा जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय बचा हुआ जो भी टर्म है वो थर्मल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, लेंथ डिवाइडेड बाय के ए। तो जरा देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाई ए, जबकि यहां पर ये क्या हो जाएगा, लेंथ ये एल लेंथ ही वहां पर रेजिस्टर की ये डी लेंथ ऑफ रॉड है और ए क्रॉस सेक्शन ये है। इसी जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो ये आप देखें तो मैं डी को भी एल ही ले रहा हूं, जिससे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से आपको कंफ्यूजन ना हो। तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल ओवर के ए, वेयर की इज कंडक्टिविटी, जबकि वहां पर होता है रो एल बाई ए, पर वो रेजिस्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी के टर्म में चार एंड क्या हो जाएगा, एल बाई सिग्मा ए, क्योंकि कंडक्टिविटी इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो देखा जाए तो फॉर्मूला तो ऐसा ही है, चाहे थर्मल रेजिस्टेंस ले लें चाहे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ले लें। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जब हम ले रहे हैं तब आ रहा है एल ओवर एरिया है ना, लेंथ ऑफ रेजिस्टर डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया और ये सिग्मा उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। थर्मल रेजिस्टेंस जब निकालते हैं तो लेंथ ऑफ रॉड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, वैसे वैसे ही है, बस यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी, वहां पर आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉरी, ये भी कंडक्टिविटी, ये भी कंडक्टिविटी। तो इसी एनालॉजी को ध्यान में रखते हुए अब हम स्लैब या रॉड को सीरीज या पैरेलल में रखेंगे और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भी निकालेंगे। तो इस तरह से हमने दो स्लैब सीरीज में रखी। तो जिस तरीके से आपका रजिस्टर इन सीरीज होता है ये देखिएगा जरा, तो रजिस्टर जब सीरीज में होता है तो उसमें क्या चीज सेम लगती है, करंट, तो उसमें आई क्या होता है, सेम होता है। तो यहां भी इस तरह के दो स्लैब या दो रॉड हैं, उनके एंड एक एंड है ना, एंड इस तरह से एंड से जोड़ दिया गया है, तो वन एंड कनेक्टेड। तो सीरीज में क्या होगा, वन एंड ऑफ ईच कनेक्टेड, वन एंड ऑफ ईच रॉड या स्लैब के लिए आर कनेक्टेड। जैसे आप रजिस्टर में देखिए, रजिस्टर का एक एक एंड आपस में कनेक्ट कर लिया गया है। अब इलेक्ट्रिकल करंट को कहीं और जाने का पाथ भी नहीं रहा, तो जो करंट यहां वही है वो वही करंट दूसरे में बहकर बाहर निकल जाएगी। फर्स्ट स्लैब का लेंथ डी वन मान लिया है, दूसरे स्लैब का लेंथ डी टू मान लिया है, पहली कंडक्टिविटी के वन है, दूसरी कंडक्टिविटी के टू है और जहां पर वो मिल रहा है वहां का जंक्शन टेम्परेचर थीटा मान लिया है। ठीक है जी, ये कोल्ड जंक्शन है जिसका टेम्परेचर थीटा 2 है, ये हॉट जंक्शन है जिसका टेम्परेचर थीटा 1 है,
और दोनों ही रॉड का आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेना, ये भी मैं पहले लिख देता हूं, तो आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन एरिया, आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन एरिया लिख लीजिएगा जिसको हम ए से लिखा देते ठीक। तो ये सब चीजें मानते हुए अब हम डेरिवेशन प्रोसीड कर रहे हैं कि हीट फ्लो थ्रू टू स्लैब्स और रॉड विच आर कनेक्टेड इन सीरीज और उनके अंदर ऑब्वियसली कौन सा करंट सैम बह रहा हो उनमें स्टेडी स्टेट पर, उनमें जो थर्मल करंट है वो सैम हो जाएगा। और थर्मल करंट मतलब क्यों हुई आपका के ए और टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय वही लेंथ करके डाटा इस तरीके से आ जाएगा ठीक है जी। तो मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूं, तो स्टेडी स्टेट में दोनों में हीट कंडक्टर पर यूनिट टाइम या हीट करंट भी कहेंगे, तो हीट कंडक्टर पर यूनिट टाइम इसको भी हीट करंट कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्लैब वन से हीट फ्लो इन टाइम की निकाल रहे हैं, ये लीजिए। तो जंक्शन टेम्परेचर हमने थीटा मान लिया था, फिगर को आप याद रखिएगा, तो जंक्शन टेम्परेचर हमने थीटा मान लिया था और जो हॉट एंड है उसका टेम्परेचर थीटा वन है, तो फर्स्ट रॉड का फर्स्ट स्लैब के लिए टेम्परेचर डिफरेंस थीटा वन माइनस थीटा हो जाएगा। फर्स्ट रॉड की लेंथ डी वन से दिखा दी है, दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया माना तो पहले का भी यही है, पहले की थर्मल कंडक्टिविटी डी के वन मान लीजिए, तो ये आपकी हीट फ्लो है ना, टाइम उधर रख दिया, टाइम उधर भी लेके आ सकते हैं। अब दूसरे के लिए क्योंकि फिगर मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, फिगर आपको किस तरीके से लेते हैं ना, ऑर्डर को थीटा वन माना, ओल्ड एंड को थीटा टू माना, जैसे टेम्परेचर थीटा माना, तो पहले अपन इसके लिए इक्वेशन बनाइए, फिर इस वाले के लिए इक्वेशन बनाइए ठीक है जी। आप इसके लिए बनाइए, ये दोनों इसी की हैं और ये अपन बनाते हैं दूसरे लिए अपन बनाने जा रहे हैं। तो दूसरे पार्ट के लिए हाँ स्लैब टू की लेके आ रहे हैं, तो स्लैब टू की आ गया, तो वही जंक्शन टेम्परेचर माइनस कोल्ड एंड का टेम्परेचर, ये दूसरे वाले की ठीक है, मैं आपके सामने लिख देता हूं। ये बन गई दो स्लैब, जंक्शन टेम्परेचर थीटा हॉट एंड थीटा वन पे, कोल्ड एंड थीटा टू पर, इसकी लेंथ डी वन यहां तक, इसकी लेंथ डी टू यहां तक, तो हमने पहले से इस हिस्से को लिया है तो उसके लिए ये और ये इक्वेशन बन गई ओके। फिर जब दूसरी स्लैब ले रहे हैं, जब दूसरी स्लाइड ले रहे हैं यानी हम इसकी बात कर रहा हूं, तो उसके लिए ये इक्वेशन बनी, उसको सॉल्व करके फिर वो ये बन गई। दोनों में क्या फैक्टर सेम है कि भाई एक तो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया सेम माना है, दूसरा उसमें हीट फ्लो भी सेम है, इसलिए क्यू आई टी और ए इक्वेशन फोर और इक्वेशन टू में इक्वल है, तो बस इक्वल है तो नहीं वो इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे मुझे नया रिलेशन मिल जाएगा। तो क्योंकि दोनों में Q by AD का फैक्टर सेम है तो उसको हमने इक्वेट कर लेंगे, तो जैसा रिलेशन इक्वेशन में चाहिए वैसा मिल जाएगा, और नहीं इतना चाहते तो क्यूबिक टर्म नहीं बना रहेंगे, तो आपका इस तरीके से रिलेशन आ जाएगा, पहली स्लैब का D1 by K1, दूसरी स्लैब का D2 by K2। अब यदि n नंबर ऑफ स्लैब होते तो वही n टर्म क्या बन जाती है dn by kn, इसीलिए समीशन कर दिया, यानी इसको आगे बढ़ाते हुए एक्स्ट्रापोलेट कर लेते, तो हमने इसका समीशन भी इसी टर्म में लिख लिया। अब मान लीजिए हमको जंक्शन टेम्परेचर चाहिए होता, तो जंक्शन टेम्परेचर चाहिए होता तो हम दोनों के लिए क्यू आई टी को सेम कर देते, दोनों रॉड क्या है सीरीज में जुड़ी हुई थी, जब सीरीज में जुड़ी हुई थी तो मैं हीट फ्लो जो होगा वो सेम हो जाएगा, सेम होते ही जो मैंने पहली बात बोली थी कि दोनों इक्वेट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे तो वो एक नया रिलेशन आ जाएगा, देखिए ए से कट ही गया तो इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे, तो इसको इधर लिया है ठीक है जी, क्योंकि थीटा निकाला है ना तो थीटा के टर्म में कोई इक्वेशन सॉल्व कर लिया, तो जंक्शन टेम्परेचर हमारा कितना है थीटा ही तो है, तो जंक्शन टेम्परेचर थीटा निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन में देखिए थीटा कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, तो दोनों को एक तरफ लेंगे बची इक्वेशन दूसरी तरफ लेंगे, तो टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस या फिर जंक्शन टेम्परेचर है वो
देखिए वी थीटा ये निकल के आ गया, ये जंक्शन टेम्परेचर इस तरीके से निकाला जा सकता है। इसको मैं छोटा क्वेश्चन भी करा देता हूँ कि मान लीजिए इस तरीके की सिचुएशन है, आइडेंटिकल लॉर्ड है। सबसे पहले तो आइडेंटिकल लॉर्ड लेने से क्या फायदा हो गया, जैसे आप आइडेंटिकल बोलेंगे इनको क्रॉस सेक्शन एरिया, थर्मल कंडक्टिविटी और उनकी लेंथ सेम, और क्वेश्चन में भी स्पेसिफाइड ना हो तब भी हम उनको आइडेंटिकली मान लेते हैं। तो आइडेंटिकल मान लेने से हमको बहुत सारे डाटा देने नहीं पड़ते। तो दो आइडेंटिकल रॉड है सर जोड़ दी, अब मान लीजिए एक एंड का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे एंड का टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमसे कहा गया है जंक्शन का टेम्परेचर बताओ। तो दो एट रॉड सीरीज में जोड़ दी गई है, आइडेंटिकल है और जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि भाई करंट सेम है, थर्मल करंट सेम है, तो हमें वाई को सेम बिल्कुल ओम्स लॉ की जैसे एनालॉजी से चलते हैं। ओम्स लॉ क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को क्या होगा, इनका सेम होगा क्योंकि रॉड ही आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल रॉड में समझा रेजिस्टेंस जो कि हम क्या पढ़ गया निकल जरूर है, ये भी आपका क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो करंट सेम होने से करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे ये जगह यहां पर क्या आएगा, टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, और ये तो फिर से सेम है। ठीक, तो देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि ये तो आइडेंटिकल है ही, तो बस डेल्टा थीटा हम लिखते जाते हैं। ठीक है जी, तो देखिए यहां से आता है पहली रॉड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना आएगा, 80 माइनस थीटा, रेजिस्टेंस थीटा को लिखो वो तो कट जाएगा। फिर अगले में देखिए थीटा माइनस 20 है ना, ये दूसरे रॉड के लिए लिखा हूं मैं, है 20 है जो है उसका थर्मल रेजिस्टेंस। अब दोनों का आइडेंटिकल है इसलिए आर से आर कट जाएगा, थीटा इधर ले जाइए तो उधर 2 थीटा चला जाएगा, इधर 100 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 50 डिग्री। ये आंसर है, बहुत आसान। और इवन यदि थर्मल रेजिस्टेंस अलग अलग होते, मान लो L1 K1 या 2L 3L से कर देगा तो यहाँ पे R की वैल्यू अलग अलग लिख देते। ये तो मैंने सिंपलिसिटी ऑफ क्वेश्चन के लिए बताया, इसके जल्दी से हो गया। तो ये दो रॉड के लिए था, अब इसी को मैं 3 रॉड के लिए करके दिखा देता हूँ आपको। तो मेरे इसको आप उठा लीजिए, मैं आपको इसका 3 रॉड का कोई एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो 3 रॉड का एग्जाम्पल लेने के लिए अपन 3 रॉड पहले जोड़ देते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। तो 3 रॉड हम जोड़ दे रहे हैं और उनको इस तरीके से लिख दिया भाई, 3 आइडेंटिकल रॉड है, ये इस तरह से बना दीजिए, ये 3 आइडेंटिकल रॉड इस एंड, ये वाली रॉड का एंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये आपका 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इस तरीके की 3 रॉड हमने जोड़ रखी है और तीनों को आइडेंटिकल मान ले रहे हैं। आइडेंटिकल मानने से फिर से आप जानते हैं कि काम आसान हो जाता है, कम कैलकुलेशन होती है। यदि आइडेंटिकल नहीं है तो फिर ऑब्जेक्टिव थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैं तो भी आइडेंटिकल मान के सुखा रहा हूँ और फिर से वही जंक्शन का टेम्परेचर निकाल दो। तो निर्मल करते वक्त अपने उतना बड़ा भी नहीं सोचना होता, तो वैसे भी टर्म टू में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ये तो ठीक है, बुक में दे रखा है, इसकी अपनी कहानी है कि भाई ठीक है वहां पर वो बड़ा डेरिवेशन निकालते हैं। इधर आ जाओ, सबसे हॉट कौन है, 50 है ना, कि 50 4 और 12 से बड़ा है तो करंट यहां से चलेगी और इस तरफ से निकल जाएगी। तो आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, नहीं समझ में वाली बात तो वही आने वाला ट्रैफिक इक्वल टू जाने वाला, क्योंकि एक मेन रोड है, मेन रोड आगे स्ट्रीट में चली जाती है तो जितना इधर से करंट आएगा उतना ही आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से सबसे पहले मैं ये वाला पोर्शन का करंट लिख रहा हूँ, देखिए जरा ये वाले पोर्शन का करंट। तो गौर से करिएगा, सबसे पहले मैं तो 50 माइनस थीटा, 50 माइनस थीटा डिवाइड बाय आर, तो गौर से देखिए मैंने इस सेक्शन में करंट निकाला, तो इस सेक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, 50 माइनस थीटा, थीटा आपका है जंक्शन टेम्परेचर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, इक्वल टू आने वाला करंट इक्वल टू जाने वाला। तो ये आने वाला करंट इधर हो इधर चला गया, जब इधर गया तो हीट करंट हमेशा हाई से लो टेम्परेचर रहता है, तो बड़ा आर्टिस्ट को लेंगे थीटा माइनस 12 डिवाइड बाय आर। फिर ये करंट इधर भी गया तो इन दोनों का सम ही तो उसके बराबर होगा, तो इधर क्या लिखा जाएगा, थीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाय, अब आर 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 सबके सेम ही है क्योंकि हमने आइडेंटिकल माना है। अब इसको यदि आप सॉल्व कर लीजिएगा तो सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा यह आएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थीटा की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी, आर कॉमन लेके इसको काट देगा तो मोटा सा निकल जाएगा। तो इस तरीके से जंक्शन टेम्परेचर निकालना बहुत आसान है और 10th क्लास का थोड़ा बहुत भी आपको करंट का आइडिया हो तो ये इजीली आपके सॉल्व हो जाते हैं।
ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से सीरीज की कहानी चल रही थी। अब इसी में कुछ कुछ यदि आपको पढ़ना है कि भाई पहले तो हमने एडल मान लिया था, उनको बराबर मान लीजिए, बराबर मान लेंगे तो ये चीजें कटने लगेंगी, समझ गए? तो डी वन डी टू बराबर करेंगे तो कुछ चीजें कट जाएंगी, तो अलग अलग पॉसिबिलिटी बनती जाएगी। पर मेन आपको बताया तो अब हम पैरेलल के पास आते हैं। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में भी क्या हुआ था, आपको कौन सा डिफरेंस सेम था, गौर करिए। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या होता है, कौन सा डिफरेंस सेम होता है, जरा देखिए। इस तरह का सिचुएशन आई थी ना, टेंथ क्लास में हमने पढ़ा होगा। तो इसमें बोथ हैंड कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में तो ओनली वन एंड्स आर कनेक्टेड, पैरेलल में क्या होते हैं, बोथ हैंड्स आर कनेक्टेड। तो मान लीजिए वन है ये टू है, तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस का भी कौन सा डिफरेंस क्या आएगा, वी वन माइनस वी टू, नीचे वाले का भी क्या आएगा, वी वन माइनस वी टू। तो वैसे वैसे ही जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन पैरेलल होता है, वैसे वैसे ही स्लैब और द रॉड कनेक्टेड इन पैरेलल होता है, तो उनमें क्या चीज सेम होगी, टेम्परेचर डिफरेंस। वो आपको दिख भी रहा होगा, जो ऊपर वाली रॉड है जिसका की लेंथ हमने डी माना है, थर्मल कनेक्टिविटी के वन प्रोसेस में या इवन माना है, तो पहले वाली रॉड का भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना देता है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि ये यहां पर किसी टेम्परेचर थीटा 1 पे एक्सपोज है और ये दोनों एंड अपने थीटा 2 पे एक्सपोज है। तो ऊपर वाले का टेम्परेचर डिफरेंस थीटा 1 माइनस थीटा 2 हुआ, नीचे वाले का टेम्परेचर डिफरेंस भी थीटा 1 माइनस थीटा 2 हुआ। तो ये इस तरह से पैरेलल में हुआ। तो जब कभी भी दो स्लैब या रॉड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम हुआ तो हम बोलेंगे दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है जी। तो पैरेलल में होने से आई का डायरेक्शन होगा, आप देख लीजिए, अब ये तो यहां तो दिखाई दो है, पर उसको अपन जनरलाइज भी कर लेंगे बाद में कि एनएथ तक के लिए। तो स्टेडी स्टेट में हीट कंडक्टेड थ्रू स्लैब वन निकालेंगे टाइम टी, ऐसे ही स्लैब टू निकालेंगे टाइम टी में, ठीक है जी। तो ये पहली स्लैब के लिए हो गया, तो वो इसका पहली स्लैब का थर्मल कंडक्टिविटी, उसका एरिया, उसकी लेंथ और ये टेंपरेचर डिफरेंस थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब दो के लिए निकाल लेते हैं, तो दोनों में गौर कर लीजिए, ये जो टेंपरेचर डिफरेंस वाला डाटा वो सेम आएगा, लेंथ हमने सेम मान ली, मटेरियल और पॉसिबिलिटी अलग अलग मान लिया, ठीक है। तो ऐसा मानते हमने डायरेक्शन कर दिया है, यदि इनमें से कुछ सेम होगी तो उसको भी सेम लिख देंगे, बट पैरेलल में एटलीस्ट टेंपरेचर डिफरेंस सेम होता है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, वो इसमें बताने का मेन पर्पस है। अब क्योंकि सारी रॉड में अलग अलग हीट जा रही है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल में सब में अलग अलग करंट जाता है, फिर टोटल करंट ड्रॉन थ्रू द सेल निकालते हैं तो भी क्या होता है, टोटल करंट इक्वल आई1 प्लस आई2 प्लस आई3। तो वैसे वैसे यहां पर सारी रॉड्स जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है उसमें करंट हीट करंट अलग अलग जा रहा है, तो टोटल सम निकाल सकते हैं। अब जब ऐसा है एनएथ तक एक्सप्लोरेट कर लिया, अब सब भी डाटा डालते जाएंगे, ये तो एनएथ तक मान लिए, बहुत सारी रॉड मान ली है, ठीक है जी, सबको जोड़ दिया है, सबकी लेंथ इक्वल मानी है, इसलिए डी लिखना है, अदरवाइज उसमें भी थोड़ा एक्सप्रेशन बढ़ जाता, ठीक। तो सब में टेंपरेचर डिफरेंस सेम होगा, तो टेंपरेचर डिफरेंस सेम का टर्म अपने बाहर निकाल लिया, तो अंदर से के वन ए वन प्लस के टू ए टू से बचा हुआ, तो के एन ए एन हो जाएगा। निम्बल कटव इतना कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो निम्बल कटव तो अभी आसानी से हो जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये फिर से कंडक्शन वाला जो हीट करंट है उसकी एनालॉजी हम देखेंगे ओम्स लॉ के साथ, ठीक है जी। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ये जो भी मैंने आपको थोड़ी देर में बताया था, थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू लेंथ डिवाइड बाय थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया। तो ये देखिए थर्मल रेजिस्टेंस, ये सब मैं आपको बता चुका थोड़ी देर पहले, लेंथ को एडी से दिखा रहा है, एल से दिखा रहा है, तो कोई खास बात नहीं। यूनिट आपकी आई जाएगी केल्विन डिवाइड बाय वॉट, डायमेंशन फॉर्मूला भी इस तरह से निकल आया। तो ये कोई फॉर्मूला है, क्यू बाई टी हीट फ्लो इन टाइम टी, और ये सब फॉर्मूला था, इसको अपन ने आई मान लिया, और ये कौन सा डिफरेंस की तरह काम नहीं करता है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यदि थीटा 1 माइनस थीटा 2 को ऊपर लिख दोगे, क्यों लिखा ऐसा, क्योंकि इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस जैसे एनालॉजी बना रहे हैं, तो बचा हुआ सारा एक्सप्रेशन नीचे चला जाएगा, डी बाई के, वेयर डी इज द लेंथ ऑफ रॉड और द रेजिस्टेंस मान लीजिए, डिवाइड बाय ये उसकी लेंथ हो गई, ये उसका मटेरियल हो गया, और ये वाला हिस्सा उसका प्रोसेस हो गया। तो हम तो कह रहे हैं इस चैप्टर को उसी तरह से याद ही रखो, ज्यादा
अब बहुत सारी स्लैब को आपने सीरीज में जोड़ रखा है तो एडिशन रेजिस्टेंस इस तरह से ऐड हो जाएगा और ये कहानी बन जाएगी। जो पिछला वाला था उसी में सबकी वैल्यू डाल दी जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से बन जाएगा। तो सीरीज में रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़ता है तो हीट वाले सेक्शन में भी वैसे जुड़ जाएंगे। आर वन की वैल्यू डाल दी, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सीरीज कंपोनेंट जी ने बहुत सारी रॉड ला रखी है आपने, तो बहुत सारी आपने इस तरह से रॉड एक के बाद एक रखी एक के बाद एक। वैसे वो सबका अलग था पर कहानी ये कह रही है भाई यदि सबको एक ही मेटेरियल का कर दें तो के इक्विवेलेंट कितना बनेगा। तो इसको अपन के इक्विवेलेंट मानते हुए एक्सप्रेशन को जमा लेंगे और इस तरह से अपना के इक्विवेलेंट निकल आएगा। वो एक्सप्रेशन फिर हमने दो स्लैब के लिए ले लिया क्योंकि इससे पहले वाला तो जनरलाइज था कि नहीं, दो स्लैब के लिए ले लिया क्योंकि एक्सप्रेशन समझ में आसानी हो जाएगी। तो भाई सिर्फ दो ही स्लैब लिए हमने, दो स्लैब के लिए हम इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने जा रहे हैं। तो वैसे वो अलग अलग थी, K1 यह की लेंथ है, K2 और यह की लेंथ है, प्रोसेस ने यही माना है। अब वो कह रहा है दोनों मेटल को भागा, एक सिंगल मेटल भर दिया, वो सिंगल मेटल की कंडक्टिविटी कितनी मानी के, ठीक, और लेंथ को क्यों रहेगी D1+D2 और क्रॉस सेक्शन एरिया को वो भी माना, ठीक है जी। तो बोल रहा है कि के की वैल्यू यानी के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी। देखिए आपके सामने जब दोनों स्लैब को एक साथ रख दिया है तो लेंथ कितनी हुई D1+D2 और ये के इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो टर्म है क्योंकि एरिया वेरिया तो सब सेम रहेगा और Q/T भी हमने सेम माना है, तो Q/T हीट फ्लो एरिया की चिंता है नहीं, फ्लो एक्सप्रेशन से हटा दिए तो हमने पहले सेम मान लिया। तो इससे जो थर्मल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है दो का वही उनका होना चाहिए, तो उसका क्या हो जाएगा वही D1/K1 प्लस इसका क्या लगा D2/K2 कर क्या रहे वही R=R1+R2 वाला फैक्टर हम लगा रहे हैं सीरीज में और R की वैल्यू क्या है वही लेंथ वाई के दोनों वैल्यू सेम है इसकी चिंता करो मत। L के लिए हम क्या मान रहे हैं जी लेंथ को क्या आप किस लिखा रहे हैं D से, तो R=D/KA और ये हर बार कट जा रहा है। तो ऐसा करने के बाद ये बड़े आराम से आपको ये मिल जाएगा। तो ये जो K है वो क्या है इक्विवेलेंट, तो K इक्विवेलेंट दो रॉड को सीरीज में जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बन जाती है ट्वाइस K1 K2 K1+K2। अब ये पैरेलल में सॉरी ये तो सीरीज में ही है और सबकी लेंथ सब इक्वल आइडेंटिटी मांगी DDD करके, ये आपका पैरेलल में जोड़ दिया है, ठीक है जी। पैरेलल में जोड़ने के लिए देखिए इसमें क्या करा है, ये देखिए इस तरीके से। तो K1 उसका प्रोसेस है A1 है ना, और क्योंकि वो दो वॉल के बीच में फिक्स है तो उनका D को आपको सेम ही लेना पड़ेगा। तो अब की बात हम क्या कर रहे हैं, तो ये डेरिवेशन किसका है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकाल रहे हैं व्हेन द रेजिस्टेंस और द रॉड कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में जुड़ेगा तो एक तो टेम्परेचर डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, और ये लेंथ भी सेम होगी। अगर लेंथ सेम होगी तभी तो आइडेंटिकल टेम्परेचर
डिफरेंस के बीच में रहने के लिए फोर्स होंगे, ठीक है जी। और पैरेलल में जुड़ा कैसे जाएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में जुड़ते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, पर क्योंकि ये सब डाटा सेम है और रेजिस्टेंस जो क्या होता है B/KA, तो ये फैक्टर आएगा नहीं अपना क्योंकि डी तो सेम नहीं थी, तो तब तक कटी जाना इक्विवेलेंट भरोगे यानी सबको भाग के लिए कोई सिंगल मेटल भरो तब उसका डी सेम होगा। देखो इक्विवेलेंट साइड में भी डी सेम है और इधर साइड में भी डी सेम है, तो इसकी चिंता करो मत, सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया बस वही सबका अलग होगा, तो K1A1 प्लस K2A2 K3A3 इस तरह से पढ़ते चलेंगे। इसमें पैरेलल में इस साइड में क्या हो जाएगा कि भाई K तो इक्विवेलेंट निकाल रहे हो ना, तो K इक्विवेलेंट निकाल रहे हो तो पूरे में एक ही मेटल भरा जाएगा, इसलिए सिंगल K भर दिया। अब पूरे को क्योंकि एक ही मेटल से भर दिया तो पूरे का क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा आएगा कि भाई A1 प्लस A2 प्लस A3 इस तरह से भर दिया, तो ये आपका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है। मेनी रॉड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फिर उसको किसी दो रॉड के लिए कर दिया जिसको हमने जनरलाइज किया था, हमने उसको किसी दो रॉड के लिए कर दिया, उसमें फिर यदि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ले लेंगे A1 / A2 तो वो भी कट जाएगा, तो सिर्फ आपका इतना सा बचेगा। तो गौर करिए पैरेलल में आपका कितना था K/K1 + K2/2 इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, जबकि जबकि आपका तो सीरीज में आगे ट्वाइस K1 + K2 / K1 + K2 जबकि पैरेलल में क्या है K1 + K2/2 प्रोवाइडेड एरिया एक्सेट्रा आर सेम, तो ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है हमने किसमें पैरेलल फॉर्मेशन। तो कुछ एक इसे क्वेश्चन देख लिया जाए, टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड एंड ऑफ ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड इन थर्मल स्टेडी स्टेट आर 100 डिग्री 20 डिग्री, तो इधर ये 100 डिग्री पर और इधर ये 20 डिग्री पर जंक्शन टेम्परेचर पर थीटा पूछा है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। तो स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा भाई, करंट सेम होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका सेम है ही सही, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो लास्ट में बहुत थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये क्या होगा भाई, टेम्परेचर डिफरेंस जो कुछ भी हो डेटा डेटा निकाल लो पूरा रॉड भी एक ही है तो थोड़ा आपकी कहानी हो जाएगी डेल्टा थीटा, तो बस बहुत आसान हो गया, 100 - थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 20 खत्म, सीधा आंसर आपके लिए इक्वेशन बन गया, तो सीधा आपका थीटा इक्वल 60 डिग्री। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वन एंड ऑफ मेटल रॉड ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है और उसकी लंबाई भी रखी है, तो उसका एक एंड तो स्टीम में दूसरा एंड आइस पर, द अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट इन 1 मिनट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जो स्टीम वाला एंड है वो 100 डिग्री पर होगा और जो आइस वाला एंड है वो 0 डिग्री पर होगा, तो जो रॉड के थ्रू हीट पास होगी वो डेल्टा के लिए हम कह लेंगे 100 - 0, लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर मीटर मीटर पर कन्वर्ट कर लेना। एल की वैल्यू भी आपको दी रखी है 80 कैलोरी पर ग्राम, तो सारे डाटा डाल के इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे आपके कंडक्शन के कुछ न्यूमेरिकल और कंडक्शन को सीरीज और पैरेलल में हमने समझा, बिल्कुल हम जैसा एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वैसा ही कर रहे हैं। अब अगले
रिकॉर्डिंग में हम यानी L06 में हम इसमें कन्वेक्शन और रेडिएशन का भी कुछ हिस्सा कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं सर निशान फ्रॉम कॉन्सेप्ट लैब।